आपको खबर दें कि बानी चेयरमैन पीटीआई के एन ए नवासी से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल महफूज शुदा फैसला 10 जनवरी को सुनाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं फैज अहमद से। जी फैज, बताएगा फैसला महफूज कर लिया। जी बानी चेयरमैन पीटीआई का एन ए 89 मियां वाले से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत जारी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर समाअत कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर उमैर नियाजी राय मजहर अली ए तारिक नून बैरिस्टर लामिया नियाजी राजा यासर और श्री जवाब भी शामिल हैं। बैरिस्टर अली जफर चेयरमैन पीटीआई की न्यायालय के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। इखलाकियात और आरोप इख्तियार पर दलाइल दे दिए जा रहे हैं। तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील दे रहे समाअत है। फिर सर अदालत ने समाअत के दौरान 15 मिनट का वक्त दिया।